इस वीडियो में आपको बताने पड़ेंगे कैसे आपको Realme Narzo 70X में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कैसे कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और साथ ही में अपने वॉयस को भी रिकॉर्ड करनी है, इस वीडियो में फुल सेटिंग्स में करके बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और फुल स्क्रीन सेटिंग्स कैसे करनी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ले चलता हूँ फोन डिस्प्ले पे, आपको सेटिंग्स पे आ जाने भी। चलिए मैं आता हूँ, सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन देखने के मिलेंगे, तो स्क्रॉल के नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है एडिशनल सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिएगा। अब एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना हुआ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन आपको दिख रहा हो, देख पा रहे हो सिस्टम नेविगेशन, तो सिंपली सिस्टम नेविगेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल के नीचे आना है और यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने की मिलेगा, देख पा रहे हो तो स्क्रीन रिकॉर्डर, रिकॉर्ड फोन, डिफिनेशन, फ्रेम रेट और कई सारे ऑप्शन है, तो मैं सारा मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा और सारा को मैं यहाँ पे डिफिनेशन में आपको बताता हूँ। सिंपली यहाँ पे रिकॉर्ड सिस्टम साउंड इससे इनेबल कीजिएगा, तो आपका जो भी फोन में साउंड आती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर वो वीडियोज प्ले हो रहा है वो भी साउंड रिकॉर्ड होगा, अगर वो ऑडियो प्ले रहा तो भी आपको साउंड रिकॉर्डिंग होगा। सेकंड में आपको रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी वॉइस है वो भी आपको रिकॉर्ड होगा अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे डिफिनेशन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपका अगर जो भी आपका हाई रहेगा सिंपली आपको हाई पे कर देने के, मीडियम है तो मीडियम पर हाई आपको सपोर्ट कर रहा है तो हाई पे कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको कस्टम पे भी आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 60 है, जो उतना FPS आप करना चाहते हैं MBPS उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बाइक आइएगा और एक ऑप्शन आपको दिख रहा हो फ्रेम रेट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली आपको 60 FPS कर लेनी होगी, जो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद इंडिकेटर लोकेशन, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आप रिकॉर्डिंग करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आपको ऊपर में पता चला है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप सेटिंग कर सकते हैं, तो स्टेटस बार में रखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो, इसको इनेबल कीजिएगा, तो आपका जो भी है कैमरा है ना, वेब कैमरा की तरह काम करेगा, आपका फेस भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे तो आपका फेस भी रिकॉर्ड होगा, तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। सो स्क्रीन टच, जहाँ पे भी आप टच करेंगे वहाँ आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा कि यहाँ पे टच हुई, तो वो भी आप काफ़ी कमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इतनी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ से बाइक आइएगा और ऊपर से चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इस पर क्लिक करूँगा और ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे स्टेटस बार दिख रहा है ना, स्टेटस बार की तरह यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपका हो रहा है और मेरा देखिए मेरा कैमरा भी दिख रहा है, देख पाऊँ तो मेरा फेस दिख रहा है ना जो कि कैमरा है। आप यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं या फिर साउंड ऑफ कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं और यहाँ पर डन करके कट भी कर सकते हैं। अब जैसे करके आप अपने Realme Narzo 70X में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।